जिहड़ी हरिमंदर साहब की इमारत होण है ये वह नहीं जिहड़ी गुरु अर्जुन देव दे वेले सी। आप नूं पता होना है जदों अबदाली आया उन्हें कुप्पे रख के इस इमारत नूं उड़ा दिता सी ते इस इमारत नूं दोबारा बनाने लई सिख सरदारां विचों जो सिरकड नाम सी वह सरदार जस्सा सिंह आलोवाली दा सी। आप नूं पता होना ते ये जिहड़ी बिल्डिंग है ये मिस्त्री देश राज दी निगरानी विच बनी सी ते मिस्त्री देश राज दा जिहड़ा पिंड है वह सुर सिंह है। आपां सुर सिंह बाबा बिरी चंद जी संतान जिथे रहिंदी मैं सिर्फ एक उदाहरण आपनूं इतिहास विचों तां दित्ती है कि साखी सुन के हर बंदा नाल तुर पैंदा। कई बारी गुरबाणी दा डूंगा विशा समझ नहीं पैंदा ते मन उकतान भी लग पैंदा कईआं दा। उस वक्त सरदार जस्सा सिंह आलोवालीए ने अपने तन ते लई चादर थले विछा दित्ती लखां रुपईए इकट्ठे होए मिस्त्री देश राज नूं स्टैंप दित्ती गई मोहर दित्ती गई खालसे दी कि जदों भी तैनूं पैसे दी लोड़ कोई जंगा जुद्धां दा वेला सी तुसीं किसे भी मिसल तो पैसा मंगा सकदे हो। मैं कहिंदा किन्ना वड्डा इतबारी बंदा सी मिस्त्री देश राज जिन्हों लखां रुपईए संदूक भर के दे दिते नाल स्टैंप दे दित्ती खालसे ने ते तेरी स्टैंप ते जिन्ने भी पैसे मंगेगा तैनूं दया दित्ते जाणगे तू हरिमंदर साहिब उस तरह ही बनाणा। मैं जिहड़ी बेनती कर लगा जदों मिस्त्री देश राज नूं सेवा मिली ये अपने घर गया घर जा के कहिंदा अज खालसे ने मेरे ते भरोसा करके मैनूं बड़ी वड्डी सेवा दित्ती है। मैं गुरु रामदास जी दे उस दरबार नूं दरबारा सेवा करनी है। अपनी बेटी ते अपनी घरवाली नूं कहिंदा है मैं तुहाडा मैनूं सहयोग चाहीदा है। उहनां कहा दसो गल सुन वाली जे कहन लगे लखां रुपईए साडे कोल संगत दे ने पर रोटी आपां उहदे चों खावांगे जिहड़ी तुसीं दोवें मावां धीआं मजदूरी करके लियाओगी। याद रखियो उस बंदे दे घर रोटी उहदी बेटी ते उहदी घरवाली मजदूरी करदी है ते सेवा करन वाले दे कोल लखां रुपईए खालसे बंदे ने। मैं तुहानूं इक बेनती करां नीयत साफ होवे कौम अपने बच्चों के सिर भी दे दिंदी है जदों नीयत भैड़ी हो जाए लोकी गोलकां भी लुट के लै जांदे।